इस वक्त की बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से चीन ने बॉर्डर पर हिमाकत की है। गलवान के बाद चीन ने सिक्किम में चालबाजी दिखाई है, लेकिन यहां भी चीन को करारा जवाब मिला है। भारतीय जवान से झड़प में 20 से ज्यादा चीनी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। 4 भारतीय जवान भी इस झड़प में घायल हुए हैं। ये घटना 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला की है। सूत्रों के मुताबिक जवानों ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। चीनी सैनिकों ने झड़प भी की, लेकिन भारतीय जवानों ने हालात को संभालते हुए चीनी सैनिकों को सबक सिखाया। 3 दिन पहले की घटना, लेकिन 20 से ज्यादा चीनी सैनिक इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 4 भारतीय जवानों के भी घायल होने की खबर है। चीन के साथ तनाव बॉर्डर पर कम नहीं हो रहा है। 9 महीने हो गए हैं गलवान की घटना याद कीजिए, उसके बाद से लगातार कई स्तर की बातचीत हुई। कल भी 9वें दौर की ये बातचीत मोल्डो में हुई थी, जो 15 घंटे चली। रात 2:30 बजे ये बातचीत खत्म हुई, लेकिन परिस्थितियां क्या हैं? अरुणाचल बॉर्डर हो, पूर्वी लद्दाख का हिस्सा हो, या अब जो सिक्किम में घटना सामने आ रही है, बेहद चिंताजनक ये हालात। हालांकि इससे पहले वायुसेना चीफ की तरफ से भी ये कहा गया था कि अगर आक्रामकता दिखानी हुई तो भारत उससे पीछे नहीं हटेगा। चीन ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। ये गुत्थम गुत्था की एक झड़प चीनी सैनिकों के साथ हुई। हालांकि बीते वक्त में डी एस्केलेशन को लेकर जिस तरह के बिंदु आ रहे थे, उस पर सेना की तरफ से कहा भी गया कि अभी तक डी एस्केलेशन जैसे कोई पुख्ता कदम चीन की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। लेकिन ये घटना जो सामने आई है सिक्किम के नाकुला में, ये यकीनन चोट पहुंचाती है बातचीत की तमाम कोशिशों को। हमारे साथ जुड़ी बख्शी साहब इस वक्त आ गए हैं। बख्शी सर, आपने भी इस घटना की जानकारी आपको भी मिली होगी। कल ही हम देख रहे हैं 9वें दौर की बातचीत रात 2:30 बजे तक चली है, और आज ये खबर आ रही है कि 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में ये हुआ है। कैसे आप इस पूरी घटना को देख रहे हैं? देखिए, तमाम टॉक्स डेडलॉक हो चुकी है। हेलो जी सर। हाँ, देखिए, तमाम टॉक्स डेडलॉक हो चुकी है, और मुझे तो चीन के इरादे पे बहुत शक है। हमारी जो असेसमेंट है, देखिए, 2015 में मेरे को एक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज ने असेसमेंट करने को कहा था चीन के इरादों के बारे में, और मैंने उस वक्त कहा था कि चीन 2020 के आसपास जो है कारगिल स्टाइल इंट्रूजन करने की कोशिश करेगा, जो ईस्टर्न लद्दाख में हुई। 10 राउंड बातचीत के हो गए हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजे की उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टैक्टिक्स है चाइनीज की कि वो आपको टॉक्स में फंसा कर रखते हैं, ताकि अगर उनको कुछ करना हो तो वो आपको इल्जाम लगा सके कि सारी गलती आपकी। नाकुला में जो इंट्रूजन हुई है, ये खतरनाक है। आप जानते हैं सिक्किम बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि वहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेटन किया जा सकता है जी। वहां हम कोई इंट्रूजन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अभी तो केवल गुत्थम गुत्था ही हुई है, ठीक है। लेकिन सर, मेरा मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ सर, लौट रही हूँ आपके पास। गौरव सावंत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, कुछ और डिटेल्स अभी मिल पाई है? जी हाँ, जानकारी अभी ये मिल पाई है कि चीन ने अपना सैनिक जमावड़ा सिक्किम क्षेत्र में खासा बढ़ा दिया है। आपको याद होगा नेहा और मीनाक्षी कि 2017 में डोकलाम में इसी इलाके के आसपास काफी भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा था, लेकिन उस समय चीन ने मुंह की खाई थी और चीन को पीछे हटना पड़ा था। संभवतः उसका प्रतिशोध या उसका एक तरह से बदला लेने की दृष्टि से चीन ने वहां पर एक ब्रिगेड से ज्यादा सेना अपनी तैनात कर दी थी, वहां परमानेंट डिफेंसेस बनाने शुरू कर दिए थे, और उसी के साथ साथ चीन टटोल रहा है कि कहां भारत को वहां पर खदेड़ा जा सके या भारत के साथ वहां पर लोहा लिया जा सके। इसी दृष्टि से उसके कुछ सैनिक आगे बढ़े थे, 15 से 20 सैनिकों की प्रारंभिक जानकारी है जो आगे बढ़े, लेकिन भारतीय सेना वहां चौकन्ना थी और उन्हें खदेड़ दिया गया। ये नियम जो है कि दोनों एक दूसरे को पहले बिना हथियारों के पीछे खदेड़ने का प्रयास करेंगे, उस नियम का अभी भी पालन हुआ, वो भी तब जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि चुशूल मोल्डो में भारत और चीन के बीच वार्ता चल रही थी तनाव को कम करने के लिए। तो लद्दाख में चल रही थी वार्ता और दूसरी तरफ सिक्किम में चल रहा था चीन का यह प्रयास। तो ये चीन निरंतर, जैसा जनरल जीडी बख्शी ने भी कहा कि अब से लेकर अगले वर्ष भर तक चीन निरंतर इस तरह का प्रयास करता ही रहेगा। गौरव, जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कोई सवाल करना चाहेंगे आप इस पूरी घटना के बारे में?
जैन बख्शी, जिस तरह से हम चीन को देख रहे हैं कि चीन इस तरह का प्रयास कर रहा है, कभी मोल्डो में, कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल प्रदेश में वो गांव बसाने की कोशिश कर रहा है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर या डिस्प्यूटेड एरिया में या फिर अब सिक्किम में, क्या ये तनाव अब खासतौर पर तब जब बर्फ पिघलने वाली है क्या ये तनाव और बढ़ेगा? गौरव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा असेसमेंट, प्रोफेशनल असेसमेंट है कि जैसे ही मौसम ठीक होता है, आप काफी एक्टिविटी हमारी जो है LAC पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चीन के साथ बहुत झड़पें होने का अंदेशा है, क्योंकि चीन तिलमिलाया हुआ है। उनका जो कमांडर था, वेस्टर्न थिएटर कमांडर, उसको रिटायर कर दिया गया है, क्योंकि उनकी बहुत कन्नी कटी जब साउथ पंगोंगसो में भारत की फौज ने चीन को पूर्ण रूप से आउट मनूवर कर दिया गौरव, और हम सारी डोमिनेटिंग हाइट्स पकड़ चुके हैं वहां पे। चीन की बड़ी जो है कन्नी कटी है, काफी तिल मिलाए हुए हैं, और वो जो है कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मौसम, बर्फ पिघलती है, मौसम ठीक होता है, मार्च अप्रैल में आप काफी गर्म एक सीजन देखेंगे बॉर्डर पे, हमको तैयार रहना चाहिए। और यही बड़ा खतरा है, मार्च अप्रैल मई, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, बाराहोटी हो उत्तराखंड में, या फिर पूर्वी लद्दाख, चार तरफ हम तनाव इस समय देख रहे हैं चीन की तरफ से जो बढ़ता जा रहा है। लेकिन चीन की मंशा क्या है? चीन की कोशिश तो ये रहती है कि बिना लड़े प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाया जाए या डाउन किया जाए, ऐसा तो हुआ नहीं। चीन लद्दाख में भी तनाव बढ़ा रहा है, सिक्किम में भी तनाव बढ़ा रहा है, अरुणाचल में भी, और ताइवान में भी चीन की वायुसेना अग्रेसिव मनूवर्स कर रही है। तो क्या चीन इतने मोर्चों पर लड़ सकता है, खासतौर पर तब जब US 7th फ्लीट भी अब साउथ चाइना सी में आ गई है?